हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज और कलर्स एंड डिटेल्स ऑफ इंडियन नोट्स एंड किसी भी एक स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज मैंने जनवरी जो है ना, जनवरी के डेज को लिए हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे, 1 जनवरी जो है उसमें कौन कौन सा डे आता है। देखिए, वर्ल्ड फैमिली डे और DRDO डे, आर्मी मेडिकल कॉपरेशन एस्टैब्लिशमेंट डे, तो ये तीनों डे आते हैं। तो बस एक बार पढ़ लीजिएगा, एक ही दिन में तो सब डेज याद करना मुश्किल है। बस काम कीजिएगा, पहले आज ये 5 डे 5 डेज ले लीजिए, बस उसी को एक बार पढ़िए, फिर रिवाइज कीजिए, फिर पढ़िए, फिर रिवाइज कीजिए, फिर दूसरे पे मूव कीजिए। ओके फिर और एक बार बता देते हैं, ये 1 जनवरी जो है वर्ल्ड फैमिली डे, DRDO डे। DRDO जो है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो G37 के हेड है। और याद रखिएगा, जो G37 है उनको मिसाइल सिस्टम अवार्ड से भी नवाजा गया था। और ये DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1958 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। अभी देखते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया आर्मी मेडिकल कॉपरेशन इस्टेब्लिशमेंट डे। फिर 4 जनवरी जो है वर्ल्ड ब्रेली डे, वर्ल्ड ब्रेली डे। फिर 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वर्स ऑर्फन, वर्ल्ड डे ऑफ वर्स ऑर्फन। 9 जनवरी को आते हैं NRI डे, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। जो 10 जनवरी को होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे। लेकिन याद रखिएगा, जो नेशनल हिंदी डे, ये तो वर्ल्ड का हो गया, वर्ल्ड 10 जनवरी को होते हैं, लेकिन नेशनल जो हिंदी डे होते हैं वो कब ऑब्जर्व करते हैं, वो हम लोग 14 सेप्टेम्बर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 12 जनवरी को जो है, 12 जनवरी को हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो नेशनल यूथ डे। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, ये दोनों नेशनल और इंटरनेशनल, ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। तो नेशनल को याद रखिए, नेशनल जो है 12 जनवरी और इंटरनेशनल जो है वो 12 अगस्त, दोनों ही 12-12 है। बस नेशनल जब आएंगे तब जनवरी और जब इंटरनेशनल आएंगे तब अगस्त। ओके, 14 जनवरी जो आर्मफोर्स वेटरन्स डे, ये आर्मफोर्स वेटरन्स डे, ये याद रखेगा। फिर 15 जनवरी जो है, ये तो ऑलमोस्ट बहुत इजी है, ये इंडियन आर्मी डे। फिर 16 जनवरी जो है नेशनल रिलीजियस फ्रीडम डे, नेशनल रिलीजियस फ्रीडम डे। फिर 18 जनवरी जो है NDRF 15 रेजिंग डे। NDRF 15 रेजिंग डे, ये 15वां है जो 2020 को जब हुआ था रेजिंग डे, तो ये 15 नंबर का था ये NDRF का। फिर आगे हम लोग का 23rd जनवरी, जो देश प्रेम दिवस के हिसाब से इसको मनाते हैं। और ये किसके क्यों मनाते हैं हम लोग देश प्रेम दिवस, क्योंकि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। ठीक है, उस दिन उसका बर्थडे था, इसके वजह से हम लोग ये देश प्रेम दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी जो हम लोग कहते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, नेशनल गर्ल्स हेल्थ डे, वो कब मनाते हैं हम लोग, 24 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट 24 जनवरी को और भी एक डे है, जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम लोग का 24 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन नेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है वो शायद हम लोग का 11 नवंबर को मनाते हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 11 नवंबर को ही मनाते हैं जो हम लोग। ठीक है, तो 25 जनवरी जो है वो नेशनल टूरिज्म डे है, जो हम लोग नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं। फिर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब, तो टूरिज्म डे। और 25 जनवरी को और भी एक डे है जो हम लोग मनाते हैं, वो नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, और जो है इसमें एक है हिमाचल प्रदेश, जो
50 स्टेटहुड थे, अभी 50 नंबर का ये लोग का स्टेटहुड थे है ये 25 जनवरी जो 2020 में जो हुआ था, 2020 में जो हुआ था वो हम लोग का मतलब 50 नंबर का था। ठीक है, अभी 26 जनवरी ये रिपब्लिक डे, ये तो सबको ही पता है, लेकिन ये और एक डे है यहाँ पे इंटरनेशनल कस्टम से, इंटरनेशनल कस्टम से इसको याद रखिएगा, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 27 जनवरी जो ये थोड़ा काफी लंबा है ये, बस उतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे दिखेगा कि थोड़ा सा तंदुरा तंदुरा सा याद रहेगा, फिर भी चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे और आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सा किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो 27 जनवरी जो है वो उसमें मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट, जो सेकेंड वर्ल्ड पर हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो हुआ था, उसमें जो प्रलय हुआ था उसमें बहुत काफी सारे लोग मारे गए थे, 6 मिलियन ऐसे कुछ मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उन लोगों को मतलब याद करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल कॉमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट, तो बस विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट ये भी याद रखने से भी चल जाएगा। ठीक है, कॉमेमोरेशन तो वो तो बस याद करने के लिए होते ही है, बस विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट ये कब मनाया जाता है, वो 27 जनवरी को। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है आप लोगों को पता चल गया, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें जो विक्टिम्स है जो उसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, फिर 28 जनवरी जो है उसमें देखिए लाला लाजपत राय जी के बर्थडे है, वो पता है आप लोगों को, वो फ्रीडम फाइटर थे, तो उसी के जन्मदिन को मनाते हैं यहाँ पे। फिर डेटा प्रोटेक्शन डे, डेटा प्रोटेक्शन जो कंप्यूटर वगैरह वो सब का जो डेटा होता है ना, जो पर्पज ऑफ डेटा उसमें प्राइवेसी कुछ होते हैं, तो वो कुछ हम लोग उसको लेकआउट ना हो जाए इसके वजह से, वो प्रोटेक्शन देने के लिए ये डे मतलब अवेयरनेस देने के लिए, अवेयरनेस अवॉर्ड करने सबको अवॉर्ड करने के लिए ये डे मनाया जाता है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर। हाँ, वर्ल्ड लिटरेसी इरेडिकेशन डे, जो कुष्ठ रोग होते हैं ना, कुष्ठ रोग जो जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो डे मनाते हैं ये 20 जनवरी को ही मनाते हैं, तो वर्ल्ड लिटरेसी इरेडिकेशन डे, तो ये इंटरनेशनली ऑब्जर्व करते हैं। तो कब मनाते हैं, एक्चुअली ये लास्ट संडे जनवरी के लास्ट संडे जो होता है ना, जनवरी जो महीना जो होता है उनमें से जो लास्ट वाला संडे है उसमें वो मनाते हैं 20 जनवरी को। फिर लास्ट देखते हैं 30 जनवरी, 30 जनवरी जो मर्टियर्स डे और शहीद दिवस, ये शहीद दिवस जनवरी 30 को और मार्च 23 को मनाया जाता है, कि यहाँ पे जो हम लोग जो फ्रीडम फाइटर जो थे हम लोग अभी, तो उनमें से उन लोग को श्रद्धांजलि देने के लिए जो फ्रीडम में भाग लिया, जो आंदोलन में भाग लिया, प्रोटेस्ट में जो भाग लिया, उनमें से जो कुछ लोग विक्टिम्स है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये देश मनाया जाता है। ठीक है, फिर 30 जनवरी तो हो गया, फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो और एक टॉपिक था हम लोग का कुछ, जो हम लोग का कलर्स एंड डिटेल्स ऑफ इंडियन नोट्स, तो उसमें जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछा गया भी है। ठीक है, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ये जो जिस दिन रिलीज किया है वो देश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये कलर और मोटिव और ये साइज, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बस एक बार देख लीजिएगा, याद कीजिएगा। ये देखिए, ये थोड़ा साइज यहाँ पे देख के आप लोगों को थोड़ा ये लग रहा होगा, डर लग रहा होगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। देखिए ये याद कीजिए, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। 2000, ठीक है, 2000 जो है उसका कलर जो है मैजेंटा है, तो मैजेंटा उसका मोटिव क्या होता है, उसका मंगलयान। ठीक है, वहाँ पे जो पिक्चर जो वहाँ पे इमेज जो दिया रहता है ना पैसे में, वो एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे मंगलयान दिया हुआ रहता है। और उसका जो साइज है 166x66, बहुत आसान है याद करना, क्योंकि 66 mm तो दिया हुआ है, और इस तरफ चारों तरफ देखिए बस 66x66 लगा दिया हुआ है, 6666 है ना, बस ये दोनों में सिर्फ 63 63, आप लोगों को याद क्या करना है, बस इन लोगों को याद करना है, इन सबको याद करना है, 166 150, ओके, फिर 146 142, ठीक है, फिर 135 129 123, बस इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी सब तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक
ठीक है, 2000 का उसका क्या होता है, मैजेंटा मंगलयान और 166 इंटू 66 mm, ओके। फिर 500 का होता है स्टोन ग्रे, जो स्टोन ग्रे होता है वो कलर स्टोन ग्रे होता है और ये रेड फोर्ट होता है, और इसका साइज जो है 150 mm इंटू 66 mm। फिर 200 का देखिए, 200 का क्या होता है ब्राइट येलो है ना, तो उसका जो मोटिव होता है सनसी स्टूप जो जिसका साइज है 146 mm इंटू 66 mm। फिर देखिए 100 का जो कलर है वो लवेंडर है, ये थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा सा अजीब सा है नाम ये लवेंडर, और ये मोटिव जो है रानी की वाव, ठीक है रानी की वाव, तो इसका जो है 142 इंटू 66 mm। फिर 50 रुपीज का देखिए, 50 रुपीज का फ्लोरेसेंट ब्लू जो हम्पी, इसका जो मोटिव है हम्पी और साइज है इसका 135 mm इंटू 66 mm। तो फिर 20 रुपीज जो है, 20 रुपीज का जो है वो ग्रीनिश येलो, और ये होता है एलोरा केव्स, इनका जो एलोरा केव जो होता है वो मोटिव होता है, ठीक है एलोरा केव। फिर इसका साइज है 129 इंटू 63 mm। फिर 10 रुपये का देखिए, 10 रुपीज जो चॉकलेट ब्राउन है, इसका मोटिव जो है ये कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है कोणार्क में जो एक सन टेम्पल है ना, बहुत फेमस टेम्पल है, ठीक है तो वो होते हैं यहाँ पे, उसका जो साइज है 123 mm इंटू 63 mm, ठीक है ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके ओके नेक्स्ट मूव, ठीक है। ये आज हम लोग स्टेट लिया है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है अभी अरुणाचल प्रदेश लिया है, वहाँ पे जो हम लोग एक एक करके हर दिन एक एक करके हम लोग स्टेट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी हम लोग अभी मैंने स्कीम नहीं लिया है यहाँ पे स्कीम, क्योंकि नए नए स्कीम आते रहते हैं तो थोड़ा डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है, तो स्कीम पहले स्टेट ये सब क्लियर कर लेते हैं, जब स्टेट के बारे में पूरी तरह मालूम पड़ेगा फिर हम लोग का तो वो चीफ मिनिस्टर भी चेंज होते रहते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर भी चेंज हो सकते हैं, फिर गवर्नर भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है बाकी कैपिटल वगैरह ये सब तो चेंज होना थोड़ा यू नो अभी 1% चांस है, ये सब चांस ही नहीं है लोग का तो, और फॉर्मेशन तो होता ही है, वो सब चेंज नहीं होता, जो स्टडी होते हैं वो पहले पढ़ लेते हैं फिर बाद में हम लोग स्कीम वगैरह जो करंट अफेयर जो है ना वो शुरू कर देंगे फिर कुछ ही दिनों में। अभी देखते हैं ये इसका अरुणाचल प्रदेश का जो अरुणाचल प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 20 फरवरी 1987। तो अभी देखिए ये अरुणाचल प्रदेश पहले उसको स्टेट नहीं था, पहले ये कुछ और ही कहा जाता था इसको, अरुणाचल प्रदेश बिकम ए फुल फ्लेज स्टेट ऑन फरवरी 1987। तो वो कब उसको स्टेटहुड मिल गया था, जब वो 20 फरवरी 1987 को, लेकिन 1972 के पहले मतलब तभी तक तब 1972 तक इसको एक नेफा की तरह इसको जाना जाता था, एक इट मीन्स द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी करके इसको जाना जाता था, ठीक है। फिर इसको जो यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस जो मिला, यूनियन टेरिटरी स्टेटस जो मिला इसको वो जनवरी 20, 1972 को ही मिला था, और तभी से इनका नाम अरुणाचल प्रदेश दे दिया गया इनको। अभी एरिया के हिसाब से इनका रैंक कितना है, 14 है, और कैपिटल है इनका ईटानगर, और इसका चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, और गवर्नर है इसका बी डी मिश्रा, ठीक है इसका गवर्नर है बी डी मिश्रा, और डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा यहाँ पे 25 है, लेकिन यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो है 30 अगस्त 2018 को 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड, 3 नए जिले यहाँ पे बना था, तो दिखेगा वो नाम थोड़ा हटके हैं, थोड़ा याद रखिएगा, पाके केचांग लेपारडा सी योमी, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हम लोग का फॉर्मेशन हुआ था ये 30 अगस्त 2018 को, ठीक है 30 अगस्त 2018 को ये तीनों डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ था, पाके केचांग लेपारडा एंड सी योमी, थोड़ा ट्रिकी है नाम, थोड़ा याद रहेंगे हम लोग दो तीन बार पढ़ लीजिएगा तो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे लोकसभा जो होता है वो उसका सीट जो है 2 ही है, और राज्यसभा जो है उनका सिर्फ एक ही है,
अभी जो यहाँ का देखे, यहाँ पे देख लीजिएगा बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर जो अरुणाचल प्रदेश जो जिस जिस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो कौन कौन सा है, एक आसाम और नागालैंड, ये दोनों के, ये बस दोनों के साथ ही ये शेयर करते हैं बॉर्डर जो इंडियन स्टेट्स। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ, इट बॉर्डर्स द स्टेट्स ऑफ आसाम एंड नागालैंड टू द साउथ। ये दोनों ही साउथ साउथ की तरफ है, जहाँ मतलब यानी कि अरुणाचल के, अरुणाचल जहाँ पे है उनके साउथ साउथ में है ये आसाम और नागालैंड, ठीक है। ये दोनों के साथ ही ये शेयर करते हैं अपना बाउंड्री बॉर्डर्स। और जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो है अपना एक बर्मा, जो म्यांमार जो है ये बर्मा, वो पूर्व की तरफ है ईस्ट की तरफ, और भूटान, भूटान जो है वो पश्चिम की तरफ है, और जो साइना है साइना नॉर्थ की तरफ है, वो तो नॉर्थ की तरफ ही होगा क्योंकि हम लोग इंडिया इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के शायद ऊपर ही वो साइना बचा हुआ है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये अभी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है ये देख लीजिएगा। ये एक है नामडफा एंड माउलिंग, ओनली दिस टू आर इम्पोर्टेंट, ये नामडफा और माउलिंग, और भी है एक दो कभी कभी मिल जाता है देखने को, लेकिन बस दिस टू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, नामडफा एंड माउलिंग, ये दोनों नेशनल पार्क यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे है खास नेशनल पार्क थोड़ा सा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनको थोड़ा पढ़िए, ये क्या क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे डिबांग, मेहाओ, कमलांग, टेले वैली, कानी, पखोई। डिबांग, मेहाओ, कमलांग, टेले वैली, कानी, पखोई, ओके। ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा याद करना, थोड़ा सा नाम थोड़ा याद जल्दी जल्दी रहता नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा ये याद, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, इतना ही। तो आप लोग वीडियो लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो अभी हम लोग कल फिर मिलेंगे, ओके, बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए क्योंकि अभी बाहर तो जाने को नहीं मिल रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है सबका, सबका यही हाल है, ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, ओके।